अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ो मुकर्रम नाज़रीन हज़रात, हमारे यूट्यूब चैनल इमामुद्दीन ऑफिशियल में आप हज़रात का इस्तक़बाल। एक भाई सवाल कर रहे हैं कि हज़रत, हमारे गांव के इमाम साहब ने ज़वाल के वक्त में एक निकाह पढ़ा दिया, तो क्या ये निकाह हुआ या नहीं हुआ, या इसमें कराहत तो नहीं है? देखिए मेरे भाई, मैं आपको बता दूँ, ज़वाल के वक्त में अगर इमाम साहब ने निकाह पढ़ा दिया तो इसमें कोई कराहत नहीं है और निकाह दुरुस्त है। ज़वाल के वक्त में अगर निकाह पढ़ाया गया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़वाल के वक्त में नमाज पढ़ने की ममानअत है। ज़वाल के वक्त में बेहतर है कि कुरान की तिलावत ना की जाए। ज़वाल के वक्त में कुरान की तिलावत की जगह ज़िक्र अज़कार कर लिया जाए, है ना, लोग कुरान की तिलावत से बचा जाए। लेकिन कुरान की तिलावत भी अगर कर रहे हैं तो गुनाहगार नहीं है। हाँ, नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन जहाँ तक निकाह का मसला है तो निकाह जो है वो ज़वाल के वक्त में अगर पढ़ाया गया है तो निकाह बिल्कुल सही है। यहाँ तक कि निकाह में कराहत भी नहीं है, निकाह मकरूह भी नहीं है, इसमें कोई गुनाह भी नहीं है और नापसंदीदा काम भी नहीं है। तो आपका सवाल कि आपके गाँव के इमाम साहब ने अगर ये काम किया है तो कोई गलत काम नहीं किया है, उन्होंने ज़वाल के वक्त में निकाह पढ़ा के कोई गुनाह वाला काम नहीं किया है। अल्लाह पाक मुझे आपको सबको इल्म दीन सीखने और सिखाने की तौफीक अता करे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन वअतूबु इलैह, वमा अलैना इल्लल बलाग।